अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल 12 अप्रैल 2022 को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने रमजान का उमरा किया। यहाँ पर मैं आपको एज अ रिमाइंडर एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आप उमरे का अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो इसको तवक्कलना में जाकर चेक कैसे करना है। आप तवक्कलना ऐप पर जाएंगे, टॉप सर्विसेज में डिस्प्ले ऑल करेंगे और वहां पर जाकर आप मनासिक गेट पर क्लिक करेंगे और वहां पर आप अपने एक्टिव परमिट चेक कर सकते हैं। हमने इस दफा अपने गाड़ी से जाने के बजाय टैक्सी से मक्का जाने को तरजीह दी। बाप मक्का के सामने पार्किंग लॉट में हमने अपने गाड़ी पार्क की। ये पेड पार्किंग है जिसके चार्जेस 3 रियाल पर आवर हैं। वहां पर आजकल मक्का जाने के लिए टैक्सीज मिल रही हैं जो 15 रियाल पर पर्सन चार्ज करती हैं। टैक्सी ने हमको 45 मिनट्स में मक्का पहुंचा दिया और बिल्कुल हरम के सामने हमें उतारा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर आप टैक्सी से भी मक्का जा रहे हैं तो टाइमिंग से जरूर ख्याल रखें कि वो किसी नमाज का वक्त तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का उमरा आराम से हो गया। मताफ के एक्सपेंशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मताफ में जगह ही जगह होती है। उम्रे के दौरान हम लोगों को छोटे बच्चे भी तवाफ और सही में नजर आ रहे थे। तवाफ करने के बाद हम लोग सही करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर चले गए। वहां पर इलेक्ट्रिक चेयर और नॉर्मल व्हील चेयर दोनों मिल रही थी मगर लाइन बहुत लंबी थी।
थे। उमरा करने के बाद हम लोगों ने मक्का में ही सहरी की। फजर पड़ने के बाद इब्राहिम खलील रोड, जहाँ पे रात को हमें टैक्सी ने उतारा था, वहीं से हमें जद्दा जाने की टैक्सी मिल गई और अल्हम्दुलिल्लाह हम 40 मिनट में जद्दा पहुंच गए। बाप मक्का के कोऑर्डिनेट्स और इब्राहिम खलील रोड के कोऑर्डिनेट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। JazakAllahu khairan kathira. Please like, share and subscribe to our YouTube channel and also follow us on our other social media platforms.